एच महिला हॉकी प्रो लीग के लिए हॉकी इंडिया महिला टीम का ऐलान कर दिया गया है। 22 सदस्य भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। गोलकीपर सविता को भारतीय टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। स्पेन के खिलाफ 26 और 27 फरवरी को दो मैच खेले जाएंगे भुवनेश्वर में। ये दोनों मैच खेले जाएंगे। इन दोनों मैचों के लिए टीम का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि स्पेन के खिलाफ ये दोनों मैच भुवनेश्वर में शाम के वक्त खेले जाएंगे। टीम में कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। तो FIH महिला हॉकी प्रो लीग के लिए टीम का ऐलान कर दिया गया है। 22 सदस्य टीम का ऐलान किया गया है और इस टीम में गोलकीपर सविता को कप्तान नियुक्त किया गया है। स्पेन के खिलाफ 26 और 27 तारीख को दो मैच भुवनेश्वर में खेले जाएंगे। इन दोनों मैचों के लिए इस टीम का ऐलान कर दिया गया है और आपको बता दें कि शाम के वक्त ये दोनों मैच खेले जाएंगे। राजा पटेल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राजा, स्पेन के खिलाफ होने वाले दोनों मैचों के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम का ऐलान कर दिया गया, क्या कुछ जानकारी? और बिल्कुल देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से महिला हॉकी टीम की बात करें तो तमाम जो नए चेहरे हैं वो भी शामिल किए गए हैं। और श्वेता जो कि कप्तान होंगी, स्पेन के खिलाफ भारतीय महिला टीम खेलेगी और बहुत ही रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि तमाम जो खिलाड़ी हैं वो नए हैं और काफी लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं स्पेन के खिलाफ इनको खेलना। अब देखने वाली बात होगी कि जो मुकाबला है किस तरीके का रहने वाला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। राजा, नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। तो 26 और 27 फरवरी को स्पेन के खिलाफ दो मुकाबले होने हैं और इन दोनों मुकाबलों के लिए महिला हॉकी टीम का ऐलान कर दिया गया है। 22 सदस्य महिला हॉकी टीम का ऐलान हो चुका है और इस टीम का कप्तान गोलकीपर सविता को बनाया गया है।